अगर स्टीव जॉब्स आज के एप्पल को देखते तो वे जरूर निराश हो जाते। 10 वर्षों में कुक ने एप्पल को स्टेरॉइड पर रखा है और अपने डिजाइन स्टूडियो को $1 ट्रिलियन कारखाने में बदल दिया है, जो कि उत्पादों पे लाभ की प्राथमिकता देती है। और एप्पल को बनाने वाली कोर टीम जाती दिख रही है। जॉब्स तो चले गए और अब उन्होंने जॉनी ईवे को भी खो दिया है, जिन्होंने कई वर्षों की हताशा के बाद जो कि कंपनी को एक डिजाइन सेंट्रिक एंटिटी देकर निराश हो गए हैं। ईवे वो थे जिन्होंने iMac, iPads, MacBooks, iPhone बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुक के साथ एप्पल ने मुश्किल से ही कुछ नया किया है। नए iPhone सिर्फ कैमरा और बैटरी लाइफ पर ही ध्यान देते हैं। दूसरा, एप्पल म्यूजिक पूरी तरह से Spotify की नकल करने के लिए बनाया था, जो कि विफल हो गया। इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगी जो फैशन और प्रचार पर जीवित रहे। एप्पल का संपूर्ण व्यवसाय का मॉडल एक निश्चित मात्रा में अधिक राशि का भुगतान करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। उनके मार्जिन अत्यधिक उच्च मार्जिन दर हैं, जो कि 35% से 40% हैं, और उनके पास खूब नकदी भी हैं, लेकिन वे अभी भी पैसे बनाने के लिए हाइप पर निर्भर करते हैं और यह हाइप धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन क्या टिम कुक एप्पल के निधन के लिए जिम्मेदार हैं? कुक जॉब्स की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का नाटक या इरादा भी नहीं रखा। जॉब्स ये जानते भी थे और फिर भी उन्होंने कुक को कंपनी में अगले 10 वर्षों तक बने रहने के लिए बहुत बड़ी सैलरी भी दी। पर सच और भी आसान है। सच तो यह है कि एप्पल डिजाइन से ही विफल होने के लिए अभी शब्द था। एप्पल में मूलभूत समस्या वह है जिसे स्टारफिश प्रभाव कहा जाता है। मूल रूप से हम सभी जानते हैं कि स्टीव जॉब्स कितने इरिप्लेसेबल थे। वह इरिप्लेसेबल थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई थी जो उनके बिना काम ही नहीं कर सकती थी। जैसे कि डिजाइन को मंजूरी वो देते, मार्केटिंग अभियान तैयार वो करते, निर्माण की समस्याओं को हल करते और भी बहुत कुछ एक स्टाफिश की तरह। जब जॉब्स की मृत्यु हुई, फिर किसी को पता नहीं था कि अब क्या करना है। जब टिम कुक ने कार्यभार संभाला तो उनके पहले शब्द मूल रूप से थे कि मैं स्टीव जॉब्स की विरासत को बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि कुक रिस्क नहीं लेते हैं, पर एप्पल कुछ ऐसा ही कर सकता है जॉब्स के जाने के बाद। खैर, परिणाम तो स्पष्ट है कि एप्पल अब एक म्यूजियम की तरह लगने लग गया है। पर असली सवाल यह है कि क्या ऐसा कुछ है जो जॉब्स इस नवाचार को बनाए रखने के लिए कुछ कर सकते थे? और जवाब है हाँ, वो दो चीजें हैं। सबसे पहले, वे एक प्रतिस्थापन तैयार कर सकते थे। जॉनी ईवे कभी भी वह प्रतिस्थापन नहीं थे जिसकी तलाश जॉब कर रहे थे, क्योंकि वह शांत और नाजुक व्यक्ति थे। और तो और, जॉब्स ने तो कुक की तरफ देखा भी नहीं। जॉब्स कुक को एक पहेली की तरह मानते थे। सच तो यह है कि इन दोनों में कोई भी प्रतिस्थापन की कला बिल्कुल नहीं थी। दोनों अपनी चीजों में अच्छे थे, जैसे कि डिजाइन और ऑपरेशन, लेकिन जॉब्स को रिप्लेस करने के गुण बिल्कुल नहीं थे। और ये कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि जॉब्स कंपनी के आंतरिक प्रतिस्पर्धा से दूर ही रहते थे। वह लोगों को एग्जीक्यूटिव स्टेटस देने से डरते थे, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उसी व्यक्ति ने उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया था। इसके लिए उन्होंने इन दोनों को चुना। जॉब्स के जीवित रहने के दौरान ये काम कर रहा था, पर जब वो चले गए तो ये सब बिगड़ गया। मजेदार बात यह है कि जॉब्स इस समस्या के प्रति बहुत जागरूक थे। लंबे समय तक उन्होंने पोलारॉइड और सोनी जैसी कंपनियों का अध्ययन किया, जो अपने विजनरी लीडर्स के चले जाने के बाद भटक गई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एप्पल के साथ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन जॉब्स को 2004 में कैंसर का पता चला था और उनके पास उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए 7 साल भी थे। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बिगड़ती हालत जनता से छुपाई और अपने इंडिविजुअलिस्ट मार्च को जारी रखा। दूसरी चीज जो जॉब्स कर सकते थे, वह थी एप्पल को उनके बिना चलाए जाने की तैयारी, जो कि उन्होंने नहीं की।